breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world. Hi guys, welcome back to my channel. It's me Shalini. So आज का वीडियो होने वाला है ओल्ड साड़ी का रीयूज आइडियाज और यू कैन से आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच. बट मैं इसको बोलूँगी ओल्ड साड़ी का रीयूज आइडिया. सो दिस इज अ एपिसोड, यू कैन से अ पार्ट 10. ऑलरेडी 9 पार्ट मैं आपको शो कर चुकी हूँ, सो दिस इज अ 10 पार्ट. मैंने पिक की थी मम्मी की 3 सिल्क की साड़ी, वो उनके शादी के वक्त की साड़ीज थी और मैंने उनसे बनवाए हैं. कुछ बहुत फैंसी नहीं बनवाया, मैंने 3 कुर्ता सेट्स निकलवाए हैं एक्चुअली. दो तो प्लाजो पैंट के कुर्ता सेट हैं और एक है पटियाला सूट. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से आप आउटफिट्स देख लीजिए. आई एम लाइक क्वाइट एक्साइटेड टू शो यू द आउटफिट्स एंड या बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेहतरीन से बने हैं, बहुत ही सुंदर से हैं एंड परफेक्ट फॉर लाइक वेडिंग सीजन के हिसाब से, हल्के मुल्के फंक्शन या फिर छोटे मोटे फेस्टिव सीजन जो होते हैं उसके हिसाब से इट्स लाइक द परफेक्ट आउटफिट्स जो निकल गए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल गए हैं. और जो मैंने आउटफिट्स की इंस्पिरेशन ली है वो मैंने ली है मिंत्रा से एक्चुअली. सो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कुर्ता सेट्स देखे थे तो किसी का मुझे स्लीव्स अच्छा लगा, किसी का मुझे पैटर्न अच्छा लगा, किसी का मुझे बॉडी वाला पार्ट अच्छा लगा. तो उस तरीके से मैंने मिक्स एंड मैच करके 4 to 6 to 7 डिज़ाइंस देख के उसमें से उनको सूट के पूरे लाइक सूट के पूरे डिज़ाइंस निकलवाए हैं. ओके सो जो साड़ी की ऑलरेडी साड़ी की क्लिप्स हैं वो आप देख लेंगे, साइड में मैं अटैच कर दूँगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सूट सेट. एक्चुअली ये वाला जो सूट सेट है ये मम की न्यू साड़ी थी, लाइक न्यू वेस्ट साड़ी थी. इसको फॉल पे को कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी. सो मैंने सोचा इसका सूट बनवा लेते हैं. लाइक हम सिल्क के फैब्रिक लेकर सूट्स बनवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं. सो इट्स द बेस्ट आइडिया कि आप ऑनलाइन कुछ अफोर्डेबल में सिल्क साड़ी मंगवाइए और उसका सूट सेट बनवाइए. बहुत अच्छा आपको रीजनेबल पड़ जाता है, लाइक इन अ बजट पड़ जाती है चीज़ें और आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बनवा सकते हैं जैसा भी आपको पसंद है. तो रिवील करते हैं. लाइक आपने देख लिया है कि ये साड़ी है पिंक कलर की और ये इसका पल्लू वाला पार्ट था. सो दिस इज द कुर्ता सेट. सो ये मैंने कुर्ता सेट निकलवाया है. मैंने कुछ भी मार्केट से कुछ भी एक्स्ट्रा लेस वगैरह कुछ भी पिक नहीं किया, वही बॉर्डर वगैरह मैंने यूज़ करवाया है. सो यू कैन सी नॉर्मल राउंड सा नेक रखवाया है मैंने, फिर राउंड नेक पे पूरा साड़ी का बॉर्डर रखवाया है और फिर इस हिसाब से यहाँ पे मैंने पूरा ऐसे करके बॉर्डर करवाया है और आगे पीछे मतलब इधर इनर साइड एंड आउटर साइड यहाँ पे इस वाले बॉर्डर के बीजिया गोटा लगा है. बीजिया गोटा से बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक आ जाता है एंड इस ऑरेंज कलर के यहाँ पे ट्राइंगल्स छोटे छोटे बना के लगाए हैं, एकदम डिफरेंट सा लुक आ रहा है इसका. एंड ऑरेंज कलर का जो पल्ले का पार्ट था वो मैंने स्लीव्स में निकलवा दिया है पूरा एंड यहाँ एंड में लाइक थोड़ा सा छोटा पड़ गया था तो फिर हमने ये दो बॉर्डर लगा के पिंकिश कलर में ऐसे ही कर लिया. मुझे फुल स्लीव्स ही चाहिए था क्योंकि विंटर्स के लिए आई लाइक फुल स्लीव्स और आपको फिर सूट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती तो इट्स द बेस्टेस्ट ऑप्शन कि आप फुल स्लीव्स बनवाएं तो बहुत सही रहता है, वो आप फुल कवर हो जाते हो. सो या मैंने एकदम फुल स्लीव्स बनवाया इसको एंड बेसिक सा स्ट्रेट कुर्ता बनवाया है. लाइक आई लाइक स्ट्रेट कुर्ताज मोर ओवर अनारकली और ए लाइन या फिर सर्कल्स कुर्ता से ज़्यादा, क्योंकि आई एम लाइक ऑन अ प्लस साइज और प्लस साइज वाले स्ट्रेट कुर्ता पहनते तो वो थोड़े और ज़्यादा मतलब थोड़े सही लगते हैं, बहुत ज़्यादा कर्वी लुक नहीं आता है. सो स्ट्रेट कुर्ता रखवाया और यहाँ साइड स्लिट पे मैंने ये लगवाई है लेस ऑफ द साड़ी, आप देख सकते हैं इस टाइप से. फ्रंट में भी लगी है और ये बैक में भी लगी है और यहाँ से बहुत ही सुंदर सा लुक आ रहा है एंड नीचे भी आपको पूरी आगे पीछे लेस मिल जाती है, यहाँ आगे इन फ्रंट एंड इन यहाँ. तो मैंने पूरा इसको इस टाइप से डिज़ाइन करवाया, लाइक ऑन द बस्ट एरिया पे ही आपको थोड़ा सा वर्क मिलता है, बाकी इन ऑल बीच में से पूरा इट्स प्लेन और पीछे से भी इट इज़ प्लेन. सो इट इज़ समवॉट लाइक छोटे मोटे फेस्टिव फंक्शन के इट्स लाइक ग्रेट ऑप्शन और सिल्क फैब्रिक अपने आप पे ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने पे. सो कमिंग ऑन टू इट्स
बॉटम वेयर मैंने सिलवाया है, सो मैं पैंट नहीं सिलवाना चाहती थी क्योंकि सिल्क फैब्रिक में हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप पैंट सिलवाएंगे एकदम फिटेड वाला पैंट तो उसका चिरने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, लाइक फटने का चांस। सो इट्स बेस्ट कि आप लूज फिट प्लाजो बनवाइए, लाइक या फिर लूज फिट पैंट बनवाइए अगर आपको प्लाजो भी नहीं बनवा, लाइक लूज फिट पैंट इज इक्वल टू प्लाजो ओनली। सो मैंने समवॉट लाइक अ लूज फिट प्लाजो बनवाया, elasticated waistband all over the side and this type से इट इज वेरी लूज फिट, मतलब आप थोड़ा हिप एरिया से, थाई एरिया से और क्रॉच एरिया से थोड़ा सा लूज ही रखवाइए इंस्टेड ऑफ एकदम फिटिंग वाला, क्योंकि वो बैठने करने में फटने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं लाइक सिल्क वाले फैब्रिक के। एंड नीचे मैंने ये बीजिया गोटा लगवाया है दो लेयर्स में, सो या दिस इज द सिंपल सा है एकदम। तो ये जो नीचे दिख रहा है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम प्लेन प्लेन वाला लुक नहीं लग रहा, और ये थोड़ा लूज फिट है ना, तो इस वाले प्लाजो को मैं अपने किसी क्रॉप टॉप के संग भी पेयर कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग देगा। एंड या दिस इज द कुर्ता सेट, एंड इसके संग मैंने एक दुपट्टा भी बनवाया है। सो साड़ी में से तो नहीं बन सकता था, सो मैंने सिल्क के फैब्रिक को डाई करवाया। सो आप देख सकते हैं मैं मार्केट में गई थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी चीज़ें वगैरह, सो शायद मैंने वो क्लिप ली थी तो मुझे मिलती है तो मैं वो अटैच कर दूंगी। तो मैंने व्हाइट कलर का फैब्रिक लिया था और उसको मैंने डबल चेन में डाई करवाया, आप देख सकते हैं पिंक एंड ऑरेंज जैसा मेरा सूट है। और ये जो आप इसमें किनारी देख रहे हैं ना हल्की गोटा सॉर्ट ऑफ लुक की, ये इन बेल्ट ही थी तो मुझे ये वाला पसंद आया कि ठीक है मेरा गोल्डन का काम भी हो जाएगा, और मेरे पास लेस उतनी नहीं बची थी तो शॉर्टेस्ट साइड पे मैंने ये लेस भी लगवा ली। सो या बहुत ही सुंदर सा एकदम लुक आया पूरे सूट का, लाइक सूट थोड़ा कंप्लीट सा लगता है अगर उसके संग दुपट्टा भी हो तो। और आप देख सकते हैं सूट लाइक दुपट्टे की विड्थ इज लाइक बहुत अच्छी वाली, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लगा इसका जो डाई वाला था, मैंने इन बिटवीन तो पिंक रखा एंड दोनों साइड मैंने ये ऑरेंज रखवाया, काफ़ी अच्छा है, 2.5 मीटर का मैंने दुपट्टा बनवाया। सो या दिस इज द फर्स्ट कुर्ता सेट विच आई गॉट स्टिच फ्रॉम माई मॉम्स ओल्ड साड़ी, लाइक न्यूएस्ट साड़ी इन फैक्ट। ओके कमिंग ऑन टू द सेकेंड कुर्ता सेट इज ब्लू कलर का कुर्ता सेट, और ये मम की शायद 25 years ओल्ड साड़ी है ना मम्मी, 25 साल पुरानी है, हाँ तो ये 25 years ओल्ड साड़ी है मम्मी की थी जो कि अब कुर्ता सेट में बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। सो ब्लू कलर की साड़ी थी, आप क्लिप देखिए ना साइड में, तो इसका भी मैंने एकदम स्ट्रेट फिट कुर्ता बनवाया है। अगैन इस टाइप की स्लीव्स लग रही, तो डिफरेंट है, एक्चुअली मैं फुल स्लीव चाहती थी इसकी भी बट उतना फैब्रिक नहीं बचा, तो ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये पल्ले का था तो इतनी स्लीव्स रखवाई, फिर इतना सा पार्ट बचा तो इसको प्लीट्स देके आगे ऐसा थोड़ा बलूनिश वाला लुक आ गया, और इधर इधर लेस लग गई, एंड नेक मैंने वी रखवाया, यहाँ पे लेस आ गई और फिर इस टाइप से यहाँ पे ये मैंने मिंत्रा से ही देखा था। सो पूरा स्ट्रेट फिट है, इसमें जो लेस है मैंने साइड स्लिट से नहीं, यहाँ पे पूरा ऊपर से लगवाई है, आप देख सकते हैं यहाँ से लाइक पूरा यहाँ से लेस लगी है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक लगी है, और इसमें सिर्फ ऑन दी फ्रंट साइड ही लगी है, बैक साइड पे उतना जगह नहीं था, लाइक उतना लेस नहीं बचा था तो हम नहीं लगा पाए उसमें, एंड ये ऑन बोथ दी साइड लेस लगी है। मुझे सबसे ज़्यादा इसकी स्लीव्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट सी स्लीव्स है, एंड जो लेस वाली चीज़ है वो नीचे भी लगी, और ये जो थोड़ा सा पल्ले वाला पार्ट था वो यहाँ नीचे भी आ चुका है और अच्छा लग रहा है, और ये लेस यहाँ भी लग गई और यहाँ भी लग गई। सो बेसिक सा सूट है, काफ़ी प्रिटी सा। सो इसके संग मैंने कुछ भी दुपट्टा वगैरह नहीं करवाया क्योंकि मेरे पास गोल्डन कलर में सिल्क का दुपट्टा रखा हुआ हैवी सा, सो आई थॉट कि वही पेयर कर लूँगी मैं इंस्टेड ऑफ दैट कि क्यों मैचिंग का बनवाया जाए, और बेसिक सा इसका लूज फिट पैंट बनवाया। सो इसका पैंट पूरा इलास्टिकेटेड वाला नहीं है, आगे नॉर्मल है, पीछे इलास्टिकेटेड है, और यहाँ साइड में दो बटन्स हैं, लाइक माई टेलर टोल्ड मी कि इस वाले पैटर्न से बहुत अच्छी फिटिंग आती है, लाइक आगे डार्ट वाट डल के तो काफ़ी अच्छा फिटिंग लुक आता है, एंड एक साइड मैंने पॉकेट रखवाई है, एंड एकदम स्ट्रेट सा इसका लुक है, इसमें बीजे गोटा वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया मैंने। सो या ओके सो कमिंग ऑन टू द लास्ट सूट सेट, दैट इज द थर्ड वन, उसका मैं एक साड़ी का क्लिपिंग लेना भूल गई, सो वो मैंने एकदम बेसिक सा बनवाया है, वो मम के लिए बनवाया है, एंड दैट इज अ पटियाला सूट सेट, एंड आप देख लाइक यू कैन से पटियाला तो नहीं कहूँगी, सलवार सूट सेट, और इस टाइप की पूरी साड़ी है, लाइक थी इनफैक्ट पूरी रेड कलर की प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट की साड़ी थी,
एंड इस टाइप का ही पूरा बॉर्डर था। तो अगेन इसमें भी कुछ भी बाहर से कुछ लेस वगैरह नहीं लिया, बेसिक से इसका कुर्ता बनवाया है, आप देख सकते हैं इस टाइप से इसका बेसिक कुर्ता है। स्वीट हार्ट नेक रखवाया और नेक पे पूरा लेस लगा है एंड एल्बो से थोड़ा सा नीचे लाइक 3/4 स्लीव्स इसकी है, थोड़ी फिटिंग वाली स्लीव्स है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ये वाला पार्ट हमने पल्ले से लिया था तो थोड़ा एकदम भरा भरा सा लग रहा है स्लीव वाला पार्ट। एंड दिस इज़ द स्ट्रेट फिट कुर्ता और यहाँ पे भी कुर्ते में मैंने लेस लगवाई है इस टाइप से, बहुत अच्छा सा थोड़ा भरा हुआ लुक आ जाता है इसका। एंड नीचे लेस है और एंड ऑन द बैक साइड भी लगवाई है। सो दिस इज़ द कुर्ता एंड बेसिक सा सलवार है, लाइक सलवार नहीं कहूँगी, मुझे लग रहा है थोड़ी प्लीट ज़्यादा है तो शायद ये पटियाला की तरफ जाएगा, सो इस टाइप से है तो आप देखिए प्लीट ज़्यादा है तो पटियाला ही कहेंगे इसको तो। एंड या यहाँ पे मुझे लेस लगवानी थी बट शायद नहीं बचा होगा लेस वाला फैब्रिक, तो या दैट्स द लास्ट कुर्ता सेट। एंड या दैट्स अबाउट दैट, आपको तीनों कुर्ता सेट्स में से कौन से बेस्ट सेट लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड या दैट्स अबाउट दैट और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, चलने भी खेलो एंड बाय।